हेलो एवरीवन, स्वागत है बेटा आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में। और बेटा आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फेज 3, जिसका नाम है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। ये बेटा एक छोटा सा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ऑल्दो जेई के सिलेबस में बेटा थोड़ा सा विवाद चलता है इसको लेके कि ये इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है। बट बेटा मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि इस चैप्टर से मैं आपको बोलता हूँ प्योर सवाल नहीं आएगा, ठीक है? आप मान के चलिए इस चैप्टर से आपको प्योर सवाल नहीं आएगा, लेकिन इस चैप्टर में आप जो थ्योरम्स पढ़ेंगे, जो आप चीजें बेटा पढ़ेंगे, वो आपको बहुत यूजफुल होगा बाकी चैप्टर्स में। इसीलिए वैसे मैं आपको बेटा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आप ये मान के चलिए कि जेई में बेटा एडवांस में और मेंस में इसको लेके बहुत विवाद चलते रहता है कि ये सिलेबस में है ये सिलेबस में नहीं है, इस तरीके की बातें होती हैं। बट इसमें जो थ्योरम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं। इसीलिए ये वाला चैप्टर पढ़ना जरूरी है। और इस चैप्टर को बेटा मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितने की आपको जरूरत है। हम अननेसेसरी इसमें बहुत ज्यादा अपना समय नहीं खराब करेंगे। मैक्सिमम बेटा अपन 7-8 लेक्चर्स या मैक्सिमम 9-10 लेक्चर्स हम इस पर रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है ना? तो अगले हफ्ते 10 दिन में ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे और उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा जितने की आपको जरूरत है, अननेसेसरी का कुछ भी नहीं। लेकिन आप बेटा इस चैप्टर को पढ़िएगा जरूर बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपको बाकी चैप्टर्स में बहुत ज्यादा मदद करने वाले। तो चलिए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर को। लेकिन स्टार्ट करने के पहले जितने बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक मेरी बात सुन भी रहे हैं, फॉरवर्ड नहीं किए हैं, तो बेटा आप इमीडिएटली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। उसे ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट यह मिलेगा कि जो भी मेरे अपडेट्स आएंगे लेक्चर के, वो सभी के सभी अपडेट्स आपको समय से मिल जाएंगे। और होमवर्क के लिए बच्चों जो भी मैं आपको प्रैक्टिस शीट शेयर करूंगा वो भी आपको उसमें मिल जाएंगे, ताकि आपकी पढ़ाई और बेहतर हो पाए। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल के साथ। और इमीडिएटली सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए। देखिए चैप्टर है बेटा अपना सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल, जिसको कि बेटा आप बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फेज 3। बेसिकली ये थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, और जो फोर्थ चैप्टर होता है दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि क्लास 12th में होता है। मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है, प्लेलिस्ट आप उसकी देख सकते हैं। तो आप में से अगर किसी भी बच्चे का मन हो कि नहीं सर हमको तो ITF 11th में ही पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फ्री टाइम है, तो आप बेटा वो 8-10 लेक्चर्स का है पूरा सीरीज, उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए तो अगर हम बेटा सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो बहुत जो बेसिक सी हमको चीज पता है, बेसिक सी हमको चीज क्या पता है कि हमारे पास अगर कोई भी एक ट्रायंगल होगा, ठीक है, अगर मैं उसकी नेमिंग कर दूं ए बी एंड सी, कोई भी एक ट्रायंगल होगा बच्चों, अगर मैं उसकी नेमिंग कर दूं ए बी एंड सी, तो आपको पता है कि इसके तीन एंगल्स होते हैं और तीन साइड्स होते हैं, इसके तीन एंगल्स होते हैं और तीन साइड्स होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में हम बेटा पढ़ते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, यही तो हम पढ़ते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री में, और तो कुछ नहीं पढ़ते। कि आप एंगल्स को साइड से किस तरीके से रिलेट करते हैं, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हैं कि साइन है, कॉस है, टैन है, फिर सेक है, कोसेक है और कॉट है, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करते हैं, साइड्स को आपस में कोरिलेट करते हैं, यही चीज हम पढ़ते हैं। आपको बेटा जो चीज पता होनी चाहिए, जो आपको चीज समझ में आनी चाहिए, हम जब एक ट्रायंगल बनाते हैं तो हम नॉमेनक्लेचर उसका ऐसे करते हैं कि हम वर्टेक्स ए के सामने वाले साइड को बोलते हैं स्मॉल ए, वर्टेक्स ए के सामने वाले साइड को हम स्मॉल ए बोलते हैं, वर्टेक्स बी के सामने वाले साइड को हम स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के सामने वाले साइड को हम बोलते हैं स्मॉल सी। ये जनरल नॉमेनक्लेचर है, मतलब अगर आपसे पूछे कि ये बीसी का लेंथ क्या होगा तो आप बोलेंगे स्मॉल ए, अगर आपसे कोई पूछे कि इस एसी का लेंथ क्या होगा तो आप बोलेंगे स्मॉल बी, अगर आपसे कोई बोले कि बताओ एबी का लेंथ क्या होगा तो आप बोलेंगे स्मॉल सी, बहुत सीधी सी बात। तो ये एक बेसिक सा नॉमेनक्लेचर है जो हमको पता होना चाहिए, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी, ये बेटा है चीज। अब आज के लेक्चर में हमें बेसिक बेटा अपने लॉस कुछ पढ़ने, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ साइन लॉ, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ साइन लॉ। साइन लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना, बहुत बेटा इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इससे बेटा आपको बहुत फायदा होगा बाकी चैप्टर्स में, देखिएगा। तो इसका स्टेटमेंट है साइंस ऑफ एंगल्स आर प्रपोर्शनल
टू द ऑपोजिट साइड्स प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑपोजिट टू देम टू द साइड्स ऑपोजिट टू देम टू द साइड्स ऑपोजिट टू देम। साइन लॉ क्या बोलता है? साइन लॉ बोलता है कि एंगल्स का जो साइन होता है वो अपने अपोजिट वाले साइड्स के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब कि साइन लॉ बोलता है, साइन लॉ ये बोलता है बेटा कि साइन ए जो होगा, साइन ए वो ए के प्रोपोर्शनल होगा, साइन बी जो होगा, साइन बी वो बी के प्रोपोर्शनल होगा, और साइन सी जो होगा, साइन सी वो बेटा आपका सी के प्रोपोर्शनल होगा। साइन सी जो होगा वो सी के प्रोपोर्शनल होगा, वो अपोजिट साइड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अपोजिट वाले साइड्स के प्रोपोर्शनल होते हैं। ये चीज हमको बच्चों समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट बेटा फैक्ट है साइन लॉ का जो आपको समझ में आना चाहिए। अब इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? इसी को बेटा जनरलाइज फॉर्म में लिखा जाता है, दैट ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। ठीक है, ये एक रूल होता है जो हमको पता होना चाहिए। दिस इज अ रूल जो हमको बेटा पता होना चाहिए कि ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। यही साइन लॉ है। साइन लॉ का मतलब ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी, ये बेटा लॉ। ये कहां से आया, कैसे प्रूव हुआ, अभी अपन उसका डेरिवेशन देख लेते हैं। लेकिन अगर आपको कोई साइन लॉ बोले, है ना, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। या ऐसे भी अगर बेटा आप कभी भी किसी ट्राइंगल को देखें तो एक झलक देखते ही मुझे ये चीज चमकनी चाहिए, एक झलक देखते ही मुझे ये वाली चीज चमकनी चाहिए, ये वाली चीज बेटा मुझे क्लियर होनी चाहिए कि ए बाय साइन ए विल बी इक्वल टू बी बाय साइन बी विल बी इक्वल टू सी बाय साइन सी, उसके सामने वाला साइड। ठीक है, चलिए बोर्ड इसको बेटा अपन क्लियर करते हैं, इसको डिराइव कर लेते हैं। देखिए बेटा, इसका डेरिवेशन अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने पास कोई एक जनरल सा इस तरीके का बेटा ट्राइंगल दिया हुआ है। दिस इज वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। ठीक है, एक जनरल सा अपने पास ट्राइंगल दिया हुआ है और मुझे इसमें बोला जा रहा है वर्टेक्स ए के सामने वाला साइड स्मॉल ए है, बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी है, सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी है। ये मुझे पता होनी चाहिए बात। मैं आपको बोलता हूँ बेटा आप एक कंस्ट्रक्शन करो सिंपल सा कि आप ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। लेट अस से आपने वर्टेक्स डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस साइड बीसी पे और इसका लेंथ मान लेते हैं स्मॉल पी। ठीक है, इसका लेंथ अपन मान लेते हैं स्मॉल पी। तो मुझे देखो यहां से बेटा क्या चीज समझ में आ रही है कि यार ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये अब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल एबीडी क्या बन गया? राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीडी आपके पास क्या बन गया? राइट ट्राइंगल। वैसे ही बेटा ट्राइंगल एसीडी अगर आप देखेंगे, ट्राइंगल एसीडी तो ये भी आपके पास क्या है? राइट ट्राइंगल। ठीक है ना, ट्राइंगल एबीडी भी आपके पास राइट ट्राइंगल है, ट्राइंगल एसीडी भी आपके पास राइट ट्राइंगल है। तो मुझे यहां पर देखो क्या चीज समझ में आती है ट्राइंगल एबीडी में। ट्राइंगल एबीडी में बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए साइन बी क्या होगा, ट्राइंगल एबीडी के अंदर, ट्राइंगल एबीडी के अंदर साइन बी क्या होगा? तो साइन बी को आप क्या बोलोगे? साइन बी को आप बोलोगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन बी विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब कि आप इसको बोलेंगे पी बाय सी। साइन बी को आप क्या बोलेंगे? पी बाय सी। तो यहां से बच्चों मेरे पास, यहां से बच्चों मेरे पास P का वैल्यू आ गया सी साइन बी। यहां से बच्चों मेरे पास P का वैल्यू क्या आ गया? सी साइन बी। वैसे ही अगर मैं ट्राइंगल एसीडी की बात करूं, ट्राइंगल एसीडी, तो ट्राइंगल एसीडी में जरा मुझे बताइए कि साइन सी क्या होगा? साइन सी। तो साइन सी विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब पी बाय बी। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मतलब कि पी बाय बी। तो यार यहां से पी का वैल्यू क्या आ जाएगा? बी साइन सी। यहां से P का वैल्यू क्या आ जाएगा? B sin C। ये चीज आपके पास आ जाएगी। तो यार अगर मैं दोनों को कोरिलेट करूं तो दिस मींस C sin B, दोनों को अगर हम कोरिलेट करें तो दिस इज C sin B इज इक्वल टू B sin C। तो यहां से मेरे पास बोलो क्या आ गया? sin B या B by sin B, B by sin B इज इक्वल टू C by sin C। ये चीज आ गई अपने पास, ये चीज आ गई। अभी देखो हमने कंस्ट्रक्शन किसमें किया था? हमने बीसी वाले पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। हमने बच्चों बीसी वाले पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो मेरे पास क्या आया? बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी, बीसी वाले। अगर मान लो बच्चों सेम ट्राइंगल में, सेम तरीके के बेटा ट्राइंगल में, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ठीक है, ये सी है। और अब बेटा अगर मैं आपको बोलता कि आप ऐसा करो, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स, ये सॉरी, ये साइड ए है, साइड बी है, साइड सी है। अब आप बेटा B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, लेट अस से एट पॉइंट E। यहां पर आपने D पे ड्रॉप किया, यहां पर आप मान लो किसी पॉइंट E पे कर दो ड्रॉप।
और आप इसका बेटा मान लो क्यू है, मान लो इसका जो लेंथ है वो क्यू है, ठीक है, इसका पी था इसका क्यू है। अब इसको मैं आपको अलग से सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बेटा इसको अलग से सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये बात तो समझ में आती है ना कि अगर आपको ये वाला राइट ट्राइंगल और ये वाला राइट ट्राइंगल दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर P को इक्वेट किया, अगर ये वाले में बेटा आप Q को इक्वेट करते, Q को, तो देखो जब आपने BC पे ड्रॉप किया, BC पे बेटा जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो साइन B साइन C का रेशियो आया। अगर आपने बच्चों AC पे ड्रॉप किया है, इस वाले में अगर आपने AC पे ड्रॉप किया, तो मैं क्या डायरेक्टली बोल सकता हूँ क्या कि A by sin A will be equal to C by sin C, यहां से आएगा A by sin A will be equal to C by sin C, मैं बोल सकता हूँ, सॉल्व नहीं करने की जरूरत है ये चीज, लेकिन मैं बोल सकता हूँ। सिमिलरली बेटा देखो, अगर इस तरीके के ट्राइंगल में ये आपके पास ए था, बार बार इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको याद हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, अगर बेटा मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता, इस पे मान लेते हैं किसी पॉइंट एफ पे, मान लेते हैं बेटा किसी पॉइंट एफ पे है ना, इसका साइड लेंथ सी है, किसी पॉइंट एफ पे अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होता, इसमें पी माना था लेंथ, इसमें क्यू मान ले, इसमें मान लो एम, कुछ भी मान सकते हो तुम्हारी इच्छा, इसमें मैंने P माना था, इसमें Q माना था, इसमें M मान लो, ठीक है, स्मॉल r मत मानना, स्मॉल r क्योंकि अभी आएगा, क्या होता है स्मॉल r वो आएगा, तो अभी स्मॉल r मत मानना नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है, आप M मान लो, तो जैसे ही आप M मानोगे तो आपके पास ये आ गया। अब अगर मैंने AB में परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो यहां से रेशियो आएगा A by sin A is equal to B by sin B, यही आएगा B by sin B। तो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे पास ये है कि यार बहुत आसानी से देखिए मैंने ये रेशियो प्रूफ कर दिया कि बी बाय साइन बी इसके बराबर है सी बाय साइन सी के, सी बाय साइन सी ए बाय साइन ए के बराबर है, ए बाय साइन ए बी बाय साइन बी के बराबर है, मतलब बेसिकली सब आपस में बराबर है, तो यहां से आप बोल सकते हो देयरफॉर ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी, ठीक है, ये बेटा चीज आप बोल सकते हैं। थोड़ा आप और बड़े हो जाएंगे जब, है ना, थोड़ा सा बेटा आप और बड़े हो जाएंगे, थोड़े से आप और मैच्योर हो जाएंगे, मतलब बड़े और मैच्योर में बोलने मतलब है कि और तीन चार लेक्चर बाद, है ना, और तीन चार लेक्चर बाद आपके पास एक नया रिजल्ट आएगा जो निकल के आएगा कि इसकी वैल्यू होती है 2r के बराबर, इसकी वैल्यू होती है 2r के बराबर, ठीक है, a by sin a b by sin b c by sin c की वैल्यू होती है 2r के बराबर, वेयर r इज द सर्कम रेडियस ऑफ द सर्कल, r इज द सर्कम रेडियस of the circle, of the circle circumscribing triangle ABC। अभी बस लिख के छोड़ दो, अभी सिर्फ लिख के छोड़ दो आप, बाकी मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, आप सिर्फ ये लिख के छोड़ दो कि a by sin a b by sin b और c by sin c 2r के बराबर होता है, फिलहाल सिर्फ लिख के छोड़ दो, थोड़े दिनों में आपको बेटा एक दो लेक्चर बाद तीन लेक्चर बाद आपको ये चीज समझ में आने लग जाएगी कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। लेकिन साइन लॉ क्या है, तो साइन लॉ ये है कि साइड और उसके ऑपोजिट वाला एंगल, साइड और उसके ऑपोजिट वाला एंगल, साइड और उसके ऑपोजिट वाला एंगल, ये प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना, दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब इसको मुझे सवालों में कैसे यूज करना है मैं आपको वो भी सिखा देता हूं। देखिए बेटा आपको जो क्वेश्चन में यूज आएगा, क्वेश्चन में आपको क्या यूज आएगा कि देखो कभी आपके पास अगर ए लिखा हुआ है, कभी आपके पास अगर बेटा ए लिखा हुआ है तो आप ए को चुपचाप k sin a लिख सकते हो, भले वो k का वैल्यू 2r है मुझे पता है, भले वो k का वैल्यू 2r है वो मुझे पता है, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ ये बात पता है कि वो कांस्टेंट है ना, कोई भी एक कांस्टेंट है, अभी मैंने आपको बोला ना कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि 2r होता है, अदरवाइज मान लो अगर आप सिर्फ ऐसा लिखते कि a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by sin c is equal to कोई k लिख लो, फिलहाल के लिए कोई k लिख लो, अब वो k का वैल्यू 2r आएगा, वो आएगा आने वाले लेक्चर्स में आएगा, लेकिन अगर मैं उसको फिलहाल के लिए कोई k बोलूं कि ये पूरी चीज किसी कांस्टेंट के बराबर है, वो कांस्टेंट बाद में 2r आ जाएगा, तो यहां से आप इसको बोल सकते हो ना कि यार a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू आएगा k sin, मतलब अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं a को k sin a से रिप्लेस कर सकता हूं, अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं b को k sin b से रिप्लेस कर सकता हूं, कभी जरूरत पड़े तो मैं c को k sin c से रिप्लेस कर सकता हूं। आपको ये बात समझनी है कि ये कैपिटल ए एंगल है और ये स्मॉल है उसके सामने वाला साइड है, कैपिटल बी एंगल है और स्मॉल बी उसके सामने वाला साइड है, कैपिटल सी एंगल है और स्मॉल सी उसके सामने वाला साइड है, ठीक है, तो आप इस तरीके से बेटा एक ये आप कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ये वाला आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
सवालों में इसका यूज आएगा। तो ये तो हो गया पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो मुझे समझ में आना चाहिए। इसके बाद कभी कभी ऐसा भी जरूरत पड़ेगा, कभी कभी ऐसा भी जरूरत पड़ेगा जब साइन ए को बेटा आपको के टाइम्स या के डैश टाइम्स ए लिखना पड़ेगा। ऐसा भी कभी कभी जरूरत पड़ेगा कि आपको साइन ए को के डैश टाइम्स ए लिखना पड़ेगा, साइन बी को के डैश टाइम्स बी लिखना पड़ेगा, साइन सी को के डैश टाइम्स सी लिखना पड़ेगा। ऐसा भी कभी कभी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली देखो साइन ए क्या आ जाएगा, 1/k into a, तो 1/k को आप के डैश बोल दो, के डैश को आप 1/k बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि a का वैल्यू होता है, अगर आप यहां से देखोगे तो k अगर 2r है, ये फ्यूचर में आपके पास आएगा बहुत ही जल्दी, तो a जो होता है दैट इज 2r sin a, b जो होता है दैट इज 2r sin b, एंड c जो होता है बच्चों दैट इज 2r sin c। ये मुझे पता होना चाहिए, ये वाली चीज मुझे पता होनी चाहिए, और मुझे सवालों में यही चीज के साथ प्ले करना। कभी अगर a मुझसे बोला जाएगा लिखने के लिए तो मैं a को k टाइम्स sin a लिख दूंगा, b को मैं k टाइम्स sin b लिख दूंगा, c को मैं k टाइम्स sin c लिख दूंगा, ठीक है। वो सवालों पे अभी आपने सीखना है, आपने सीखना है बेटा कि हम करना क्या चाहते हैं। वैसे अगर कभी sin a लिखा होगा तो sin a को आप a/2r या k डैश टाइम्स a बोल सकते हैं, है ना। साइन बी को आप b/2r या k डैश टाइम्स b बोल सकते हैं। बेसिकली ये k और k डैश क्या है, दे आर कॉन्स्टेंट्स, दे आर कॉन्स्टेंट्स। अगर मैं k बोल रहा हूँ तो k का मतलब 2r है, अगर मैं k डैश बोल रहा हूँ तो k डैश का मतलब 1/2r है, बेसिकली दे आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, आपका साइन लॉ बोलता क्या है, साइन लॉ ये बोलता है कि साइड और उसके ऑपोजिट वाला साइन ऑफ एंगल, साइड और उसका साइन ऑफ एंगल, साइड और उसके ऑपोजिट वाला साइन ऑफ एंगल, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइन और उसके साइड वाला अपोजिट वाला एंगल, साइन और उसके ऑपोजिट वाला एंगल, साइन और उसके ऑपोजिट वाला ये साइड, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आप के या के डैश अपने हिसाब से, आपको ये चीज बस पता होनी चाहिए, इसमें आपको प्ले करना आना चाहिए। अभी मैं सवालों में आपको सिखाऊंगा, थ्योरेटिकली साइन लॉ इतना ही है, थ्योरेटिकली अगर आप बेटा बात करेंगे तो साइन लॉ खत्म हो गया, साइन लॉ में सिर्फ यही चीज है जो समझ में आनी चाहिए। अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं, मैनिपुलेशन कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, वो अब अपन सीखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन अपने पास लिखा है, और एक चीज क्वेश्चन के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी भी ट्राइंगल में साइन लॉ एप्लीकेबल है, साइन लॉ हर ट्राइंगल में एप्लीकेबल है। जरूरी नहीं है कि एक्यूट ट्राइंगल चाहिए, कि राइट ट्राइंगल चाहिए, कि ऑब्ट्यूस ही होना चाहिए, ऐसा कुछ मतलब फिक्स नहीं है। कोई भी ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, साइन लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल। आप नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के आप लिख लीजिए दैट साइन लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल, इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल आ जाए, कैसा भी ट्राइंगल आ जाए, साइन लॉ हमेशा एप्लीकेबल है। साइन लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल। बहुत आसान आसान से देखो बेटा, सवालों के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने पास मान लीजिए सवाल है प्रूफ दैट, एकदम बेसिक क्वेश्चन, प्रूफ दैट a cos b minus c by 2 is equal to b plus c sin a by 2। ये बेटा अपने पास सवाल है। अब मैं आपको बेटा बोलता हूं कि अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो आप ऐसे मत प्रूफ करो, आप थोड़ा सा अपना पहले रीअरेंजमेंट कर लो, है ना। इसको अगर आप इसके बराबर प्रूफ करने जाओगे तो हो सकता है आपको तकलीफ आए। LHS या RHS को, किसी को भी एक को आप सिंप्लीफाई करके प्रूफ करने जाओगे तो हो सकता है आपको तकलीफ आए। आप थोड़ा सा इसको ऐसा लिख लो आप कि यार cos of b minus c by 2 upon sin a by 2 is equal to b plus c by a, बेसिकली आपको ये प्रूफ करने बोल रहे। अगर आपने ये प्रूफ कर लिया तो ये प्रूफ आपका हो ही जाएगा, क्योंकि a इधर आएगा और b plus c इसके पास है, क्रॉस मल्टीप्लाई बस होना। तो आप बेसिकली आपको ये प्रूफ करने बोले जा रहे। अब देखो b plus c by a जो RHS है, RHS को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, b को आप क्या लिख सकते हो, साइन लॉ क्या बोलता है, साइन लॉ बेटा आपको बोलता है, साइन लॉ आपको बोलता है दैट a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by sin c, और इसकी वैल्यू किसी 2r के बराबर होती है, चाहे आप k बोल लो चाहे 2r बोल लो, कोई दिक्कत नहीं।
तो यार मुझे यहां से दिखाई दे रहा है कि b को मैं क्या लिख सकता हूं, b can always be written as 2r sin b plus c can always be written as 2r sin c divided by a can always be written as 2r sin a. मैं आपको कांस्टेंट k लेने इसलिए बोल रहा था क्योंकि आप k लिखो चाहे आप 2r लिखो वो कैंसिल आउट ही होगा, वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा. तो यहां पे आपके पास देखो क्या आ जाएगा, sin b plus sin c अपॉन साइन. अच्छा साइन ऑफ सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाय टू, सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू, यही होता है साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला. नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन ए. नीचे अगर साइन ए लिखा हुआ है, इसको अगर बेटा मैं ब्रेक करके लिखूं हाफ एंगल में, क्योंकि देखो मुझे ए बाय टू हाफ एंगल लेके आना है, हाफ एंगल में बेटा अगर मैं ब्रेक करूं तो दिस विल बी टू साइन ए बाय टू cos a by 2. ये 2 से ये 2 तो गया, एक 2 से एक 2 तो गया. अब थोड़ा सा बेटा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा बच्चों आप अपना दिमाग लगाओ. आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये किस में बात हो रही है, ट्राइंगल में बात हो रही है ना. ये b और c जो साइड्स लिखे हुए abc क्या है, ट्राइंगल में बात हो रही है ना. तो अगर बेटा ट्राइंगल में बात हो रही है तो आपको बैक ऑफ द माइंड आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि a plus b plus c क्या होगा. a plus b plus c तो पाई होगा 180 डिग्री. बैक ऑफ योर माइंड आपको ये चीज ऑलरेडी पता है क्योंकि स्मॉल बी बी के साइड बी वाले वर्टेक्स के सामने वाला साइड है, स्मॉल सी सी वाले वर्टेक्स के सामने वाला साइड है, स्मॉल ए वाले वर्टेक्स के सामने वाला साइड है. तो ऑब्वियसली आप ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ये चीज आपको पता है. तो यहां से बच्चों देखो बी प्लस सी, बी प्लस सी क्या होगा, बी प्लस सी विल बी पाई माइनस ए, बी प्लस सी विल बी पाई माइनस ए. तो यहां से मेरे पास ये सवाल हो गया साइन ऑफ साइन ऑफ बी प्लस सी, बी प्लस सी इज पाई माइनस ए, तो पाई माइनस ए बाय इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू इंटू कॉस ए बाय टू. आप बेटा यहां पर देख सकते हैं ये क्या लिखा है, साइन ऑफ 90 माइनस ए बाय टू, साइन ऑफ 90 माइनस ए बाय टू. साइन ऑफ 90 माइनस ए बाय टू क्या होता है, कॉस ए बाय टू. साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है. तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया और जो बचा हुआ है बेटा, जो बचा हुआ है वही आपको लेके आना था, cos of b minus c by 2, cos of b minus c by 2 upon sin a by 2, upon sin a by 2. तो आप लिख सकते हैं hence proved. आसान सा सवाल, ठीक है. मैनिपुलेशन बेटा कैसे करना है मैंने आपको समझाई दिया, ये बस इंपॉर्टेंट है बेटा इसके साथ कैसे खेलना है आपको पता होना चाहिए, इस लॉ को कैसे अप्लाई करना है और इस चीज के साथ कैसे खेलना है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. नेक्स्ट बेटा अपने पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, छोटे छोटे से पहले अपन सवाल कर रहे हैं फिर अच्छे सवाल भी इस पे करेंगे आज. सवाल लिखा है प्रूफ बेटा अपने को करना है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू टैन ऑफ a माइनस बी बाय टू, टैन ऑफ a माइनस बी बाय टू इंटू कॉट ऑफ a प्लस बी बाय टू इंटू कॉट ऑफ ए प्लस बी बाय. अब इस बात को बेटा आप समझिए कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो बहुत मेहनत लगेगी. तो अपन इसको पकड़ते हैं, साइन लॉ क्या बोलता है, बार बार लिखो, बार बार लिखो ताकि आपको याद हो. ए बाय साइन ए बराबर बी बाय साइन बी बराबर सी बाय साइन सी और इसकी वैल्यू होती है 2r के बराबर, ये आपको पता होना चाहिए. तो यहां से आप बेटा ए को क्या लिख सकते हैं, ए कैन बी रिटन एज 2r साइन ए माइनस बी कैन बी रिटन एज 2r साइन बी अपॉन ए कैन बी रिटन एज 2r साइन ए प्लस बी कैन बी रिटन एज 2r साइन बी. ऐसा आप लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं. अगर मैं न्यूमरेटर में से 2r कॉमन ले लूं, डिनोमिनेटर में से 2r कॉमन ले लूं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इफेक्टिवली क्या लिखा हुआ है, साइन ए माइनस साइन बी बाय साइन ए प्लस साइन बी. अब देखो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, टू कॉस c प्लस डी बाय टू, सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू, टू कॉस c प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू. डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी इज टू साइन सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू. यही ना आएगा, देख लो ध्यान से, ये आ जाएगा आपके पास सिंपल सा सवाल. तो यार ये 2 से 2 गया और देख लो जो लेके आना था वो आ गया, cos by sin सेम एंगल है तो क्या आएगा, cot,
ए प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाई बाय साइन बाय कॉस, टैन होता है सेम एंगल है तो टैन ए माइनस बी बाई टू, यही लेके आना था। देखो टैन ऑफ ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉट ऑफ ए प्लस बी बाई टू, बहुत ही आसान सा सवाल। ठीक है चलिए अगला सवाल बेटा देखते हैं अपन, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है नेक्स्ट, प्रूव दैट 1 plus cos a minus b cos c divided by 1 plus cos a minus c cos b is equal to a square plus b square upon a square plus c square। ठीक है ये बेटा आपको प्रूफ करना। अब यहां पर देखो ये स्क्वायर वाले टर्म्स है तो हो सकता है इसको RHS को सिंप्लीफाई करने में मेहनत लगे, क्योंकि इसको कन्वर्ट करके ये लेके आना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो मैं आपको बोलता हूं कि यार आप इसको एक बार कोशिश करो सिंप्लीफाई करने की, कि ये LHS आपका सिंप्लीफाई होता है। तो अगर बेटा हम LHS ध्यान से देखें, LHS तो LHS में देखो हमको क्या चीज समझ में आती है कि यार ये लिखा हुआ है बेसिकली 1 प्लस कॉस ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस ए माइनस बी और कॉस सी लिखा है। आपको ये चीज तो पता ही है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तो पाई है, ट्राइंगल की बात हो रही है क्योंकि। तो यार कॉस सी को आप क्या लिख सकते हो, कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हो आप। कॉस सी को, एंगल सी को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल सी विल बी पाई माइनस ए प्लस बी, ऐसा आप लिख सकते हो। वैसे नीचे वाले में 1 प्लस कॉस ए माइनस सी कॉस बी को कॉस पाई माइनस ए प्लस सी आप लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए माइनस बी। अच्छा cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos ऑफ 180 माइनस थीटा बेटा होता है आपके पास माइनस cos थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर और यहां पे आ जाएगा cos a plus b, cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये चीज आ गई। वैसे नीचे अगर देखोगे तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो अगेन 1 माइनस cos a माइनस c cos a plus c, ये आ गया अपने पास। अब याद करो बेटा cos a plus b into cos a minus b क्या रिजल्ट होता है, 1 minus, आपने पढ़ा है ये चीज ट्रिग्नोमेट्री में, कंपाउंड एंगल्स में, आइडेंटिटी में पढ़ाया है, cos a plus b into cos a minus b, cos a plus b into cos a minus b is cos square a minus sin square b, याद होना चाहिए आपको। sin a plus b into sin a minus b होता है sin square a minus sin square b, लेकिन cos a plus b into cos a minus b होता है cos square a minus sin square b, cos a plus b into cos a minus b is cos square a minus sin square b upon, नीचे देखो 1 minus cos a plus c into cos a minus c is cos square a minus sin square c, यही आएगा मेरे पास। ठीक है तो यार यहां से देखो क्या चीज आ गई, यहां से मेरे पास आ गया 1 minus cos square a sin square a और minus minus plus sin square b divided by 1 minus cos square a sin square a प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस साइन स्क्वायर सी, आ गया अपने पास साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बाय साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। जैसी बेटा ये चीज अपने पास आई, अब अगर मैं आपको सिंपल सी एक बात बोलूं, सिंपल सी बेटा मैं आपको बात बोलूं कि यार आपको प्रूफ यही तो करना था ना, ए को आप क्या लिखते, ए को अगर आप 2r लिखते 2r साइन है तो ये आपके पास क्या लिखा होता, 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए लिखा होता। बी को अगर आप 2r साइन बी लिखते तो ये स्क्वायर क्या लिखा होता, 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर बी लिखा होता। वैसे नीचे a को आप क्या लिखते 4r स्क्वायर sin स्क्वायर a और c को अगर आप 2r sin c लिखते तो उसका स्क्वायर क्या होता 4r स्क्वायर sin स्क्वायर c, तो वही तो लिखा हुआ है। देखो ये 4r स्क्वायर आप कॉमन लेके काटोगे तो वही तो लिखा है sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b sin स्क्वायर a sin स्क्वायर c। तो अगर मुझको इससे इसको बनाना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ऊपर न्यूमरेटर में भी 4r स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में भी 4r स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप 4r स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ करोगे तो ये बनेगा और इससे ये बन जाएगा। सिंपल सिंपल से सवाल है बेटा, बस आपको खेलना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने पास लिखा हुआ है, प्रूफ दैट इसमें बेटा आपको प्रूफ करना है ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी, ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाय साइन बी प्लस साइन सी
डिवाइडेड बाय साइन बी प्लस साइन सी प्लस प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन सी प्लस साइन ए साइन सी प्लस साइन ए प्लस सी स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ ए माइनस बी सी स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस साइन बी साइन ए प्लस साइन बी दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये बेटा आपने को प्रूफ करना है। अब देखिए थोड़ा सा बेटा इसको ध्यान से सोचिएगा कि अगर आपको ये चीज प्रूफ करनी है, मैं आपको बेटा ये बोलता हूँ, आप पहले वाले टर्म को पकड़ो और उसको सॉल्व करो, क्योंकि ये सेम पैटर्न के सवाल है ना। पैटर्न देखो वही है, जिस पैटर्न में ये लिखा है उसी पैटर्न में ये लिखा है, उसी पैटर्न में ये लिखा है। यहाँ ए स्क्वायर था तो नीचे बी प्लस सी है, यहाँ बी स्क्वायर था तो नीचे सी प्लस ए है, यहाँ सी स्क्वायर था तो नीचे ए प्लस बी है। जो नीचे दो एंगल है उन्हीं का डिफरेंस ऊपर है, जो नीचे दो एंगल है उन्हीं का डिफरेंस ऊपर है, पैटर्न सेम है। आप किसी एक को ढंग से सॉल्व कर लो और उसी पैटर्न में आंसर निकलेंगे। तो मैं बोलता हूँ जो पहला वाला टर्म है, पहला वाला हमारे पास टर्म क्या है, ये वाला फर्स्ट टर्म इज ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, ये बेटा मेरे पास फर्स्ट टर्म है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं आपको क्या बोलूंगा, साइन लॉ के हिसाब से। साइन लॉ क्या बोलता है कि ए क्या होता है बेटा, ए होता है 2r sin। अब देखो यहां पर ये 2r कटा नहीं है, पिछले जितने मैंने दो तीन सवाल किए हर जगह ये 2r कट जा रहा था, लेकिन इसमें नहीं कट रहा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ए आ जाएगा 2r sin a इसका स्क्वायर into sin of b minus c divide by sin b plus sin c। ठीक है, 2r sin a ये अपने पास आ गया, तो यार यहां से 2r तो बाहर निकालो स्क्वायर करके, तो 4r स्क्वायर, न्यूमरेटर में लिखा है sin स्क्वायर और उसके साथ लिखा है sin of b minus c upon sin b plus sin c। थोड़ा सा बेटा अगर अपन इसमें दिमाग अपना लगाएं तो मुझे इसमें एक चीज समझ में आती है, यहां पर लिख देता हूं। दिस इंप्लाइज ये 4r स्क्वायर को बाहर रहने दो, एक साइन ए को भी बाहर रहने दो, जो साइन स्क्वायर है ना एक साइन ए को अलग रखो। और अब मैं आपको बोलता हूं कि देखो अगर ट्राइंगल की बात हो रही है तो a प्लस बी प्लस सी को क्या है, पाई है। तो जो एक साइन ए होगा, साइन स्क्वायर था एक साइन ए आपने बाहर रखा, एक साइन ए को आप कर लो पाई माइनस बी प्लस सी, ऐसा लिख। ठीक है ना, ये भी साइन ए लिखा है, ये भी साइन ए लिखा है, बेसिकली साइन स्क्वायर जो था, साइन स्क्वायर को मैंने साइन ए और साइन ए में ब्रेक किया, एक साइन ए को मैंने बोल दिया पाई माइनस बी प्लस सी, क्योंकि उसके बगल में मुझे दिख रहा है साइन ऑफ बी माइनस सी और नीचे बेटा मुझे दिखाई दे रहा है साइन बी प्लस साइन सी, नीचे मुझे दिखाई दे रहा है साइन बी प्लस साइन सी, ये चीज लिख दी। तो यहां से मेरे पास आ गया 4r स्क्वायर साइन ए इंटू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी और अपॉन नीचे लिखा हुआ है साइन बी प्लस साइन सी, अपॉन नीचे लिखा हुआ है साइन बी प्लस साइन सी। तो यार ये साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी क्या होता है, अभी पिछले वाले में मैंने आपको बताया था कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, लेकिन साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो अगर आपके पास लिखा है साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी, देन दिस विल बी 4r स्क्वायर साइन ए वैसे का वैसा ही है, साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी विल बी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी और नीचे लिखा हुआ है साइन बी प्लस साइन सी, नीचे हमारे पास लिखा हुआ है साइन बी प्लस साइन सी। तो यहां से आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, 4r स्क्वायर साइन ए बाहर है, अंदर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दिस विल बी साइन बी प्लस साइन सी इंटू साइन बी माइनस साइन सी और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन बी प्लस साइन सी, ये चीज आ जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लिया, यार ये साइन बी प्लस साइन सी का तो फैक्टर कट गया। अब जैसे ही बेटा ये साइन बी प्लस साइन सी का फैक्टर कटा, अब आपके पास सवाल क्या हो गया, अब आपके पास सवाल हो गया 4r स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी। ठीक है, 4r स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी, ये हमारे पास चीज आ गई। अब इसको बेटा देखते हैं अपन और क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं सवाल आपके लिए क्लियर कर देता हूं।
तो बेटा देखो, अगर आप इसको ओपन अप करके लिखोगे तो आपके पास आएगा फर्स्ट टर्म में 4r² sin a sin b, 4r² sin a sin b, और माइनस आएगा 4r² sin a sin c, माइनस आएगा 4r² sin a sin c, यही ना आएगा, देख लो आप, यही आपके पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म में 4r² sin a sin b - 4r² sin a sin c। अब देखो 4r² कॉमन है, यहां पर जो साइड लिखा हुआ था उसके ऑपोजिट वाला एंगल दोनों में कॉमन है, और एक एक बार ये वाले दोनों एंगल है, पैटर्न समझो, ये वाला बेटा जो साइड है ये कॉमन है, तो यहाँ स्मॉल ए था तो यहाँ भी साइन ए है, यहाँ भी साइन ए है, लेकिन यहाँ पर बेटा बी प्लस सी वाला जो था साइन बी और साइन सी, एक बार साइन बी आया एक बार साइन सी आया। अगर मैं इस लॉजिक से देखूं तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ बेटा जो टर्म टू होगा, ठीक है, आपके पास देखो जो बेटा टर्म टू आएगा, जो पहले एंगल लिखा था बी वो पहले आया, जो बाद में एंगल लिखा था सी वो बाद में आया, तो यहाँ पे मेरे पास 100% टर्म टू आएगा 4r², यहाँ पे बी है तो साइन बी आएगा, और उसके बाद सी है तो साइन सी आएगा, और माइनस 4r² बी है तो साइन बी आएगा, और बाद वाला टर्म है तो साइन ए आएगा। और इसी लॉजिक से बेटा जो थर्ड टर्म होगा, थर्ड टर्म विल बी 4r² साइन सी, क्योंकि स्मॉल सी है, और फिर उसके साथ आएगा सबसे पहले साइन ए, और फिर आएगा 4r² sin c, और उसके बाद आएगा sin b। ये चीज अपने पास बेटा आ जाएगी, और जैसी ये चीज आई अब आप इनको ऐड कर दो, तो टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 आप देखिए जरा ऐड करके, तो ये 4r² sin a sin b, ठीक है, और ये माइनस 4r² sin b sin a कट गया, 4r² sin b sin c और माइनस 4r² sin b sin c कट गया, और 4r² sin c sin a माइनस 4r² sin a sin c, सब कैंसिल आउट हो गए, फाइनली क्या आ गया, जीरो आ गया, और वही बेटा अपने को लेके आना था। इस तरीके के भी सवाल आने चाहिए बेटा, मैं आपको हर वैरायटी का सवाल जो पॉसिबल है वो करवाऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर तरीके से हो पाए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, आसानी से समझ में आ रहे हैं, तो एक थम्स अप बेटा कमेंट में मेरे लिए जरूर आप ड्रॉप करिएगा। अगला सवाल बच्चों अपने पास लिखा है, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 75 डिग्री, कैपिटल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन प्रूव दैट इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 75 डिग्री, कैपिटल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन प्रूव दैट स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी टाइम्स रूट टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल ए। ये बेटा आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। देखिए बहुत आसान सा सवाल है, आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो यार अगर एंगल ए 75 डिग्री है, एंगल बी 45 डिग्री है, एंगल सी मुझको नहीं पता, लेकिन तीनों का सम 180 आएगा, 75 और 45 तो 110 और 10 120, सी की वैल्यू बेटा 60 डिग्री आ जाएगी, सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60 डिग्री। तो अगर हम साइन लॉ लगाएं तो साइन लॉ बोलता है ए अपॉन साइन ए, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, सी अपॉन साइन सी, और इसकी वैल्यू आगे 2r होती है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, ठीक है, ये चीज आपके पास आती है। तो यार यहां से देखो आपके पास लिखा है बी, बी का मतलब क्या है, बी आपके पास बेटा लिखा है बी विल बी इक्वल टू, बी विल बी इक्वल टू 2r sin 45, यही होगा बी की वैल्यू बेटा 2r sin 45, सी सी विल बी इक्वल टू 2r sin 60, और ए ए विल बी इक्वल टू 2r sin 75। तो आपको बेटा प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है बी प्लस सी रूट टू, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना, बी प्लस सी रूट टू की, तो b प्लस सी रूट टू की वैल्यू क्या होगी, देखो b इज 2r LHS निकाल रहा हूं मैं, b इज इक्वल टू 2r sin 45 प्लस c की वैल्यू है 2r sin 60 इंटू रूट टू, इसकी वैल्यू आप निकाल लें, तो 2r तो लो कॉमन, sin 45 होता है बच्चों 1 बाय रूट टू, sin 60 होता है आपके पास रूट 3 बाय 2, और उसके साथ एक लिखा हुआ है रूट, ये रूट 2 और 2 कटेगा तो रूट 2 आएगा, तो 2r और अंदर मेरे पास आ गया रूट थ्री प्लस वन बाय रूट टू, बेटा कॉमन है रूट थ्री प्लस वन बाय रूट टू, बेटा आपके पास कॉमन है, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है, मुझे क्या पता है, मुझे बेटा ये चीज पता है कि रूट थ्री प्लस वन बाय टू रूट टू, रूट थ्री प्लस वन बाय टू रूट टू किसकी वैल्यू होती है, कॉस 15 डिग्री की,
रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू कॉस 15 डिग्री होता है। मैं अगर आपको बोल दूं बेटा एक टू डिवाइड कर दो और एक आप टू मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये जो रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू लिखा है दिस इज नथिंग बट कॉस 15 डिग्री। तो आपके पास क्या आ गया 2r, या 2r भी आप क्यों लिखते हो, ये 2 है तो 2 इंटू 2r cos 15 डिग्री, ठीक है 2 इंटू 2r cos 15 डिग्री, और इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2r cos 15 कैन ऑलवेज बी रिटन एज sin 75 डिग्री, और 2r sin 75 डिग्री तो क्या है 2r sin 75 डिग्री a, तो दिस इज 2 है। यही आपको बेटा लेके आना था, देखो सेम चीज आपको लेके आनी थी, बहुत ही आसान आसान से सवाल है बेटा, बहुत आसान आसान से सवाल है। अभी मैं आपको सिर्फ ये मैनिपुलेशन करना सिखा रहा हूं कि इसको किया कैसे जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा है इफ cos a बाय स्मॉल a इज इक्वल टू cos b बाय स्मॉल b इज इक्वल टू cos c बाय स्मॉल c एंड साइड a इज इक्वल टू 2, then find the area of the triangle, then find the area of the triangle, ठीक है। ये बेटा आपको प्रूफ करना है ना, ट्राइंगल का आपको एरिया इसमें निकालना है। अब देखिए समझने की बेटा आप कोशिश करिएगा, यार साइन लॉ तो पता था, ये तो पता नहीं क्या लिख दिया, cos a by a plus cos is equal to cos b by b is equal to cos c by c, ऐसा तो नहीं था साइन लॉ तो a by sin a था, यहां तो cos का टर्म। तो मैं आपको बोलता हूं बेटा कि आप साइन लॉ अपना सबसे पहले लिखिए, साइन लॉ था क्या, साइन लॉ था a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by sin c is equal to 2r, यही था साइन लॉ। तो यहां से बच्चों a का वैल्यू क्या है, अगर 2r sin a, तो व्हिच दिस इंप्लाइज ये जो cos a by a is equal to cos b by b is equal to cos c by c, ये जो लिखा हुआ है ये आपको बेटा क्या चीज देगा, cos a by small a को आप क्या लिख सकते हो, small a can be written as 2r sin, this implies cos b by b, तो cos b upon ये जो बेटा b लिखा हुआ है b will be 2r sin b, और cos c by जो c लिखा हुआ है बेटा this will be 2r sin c, और ये पूरी चीज किसी के बराबर होगी, जैसे वहां पे जो पूरी चीज थी वो 2r के बराबर थी, वैसे ये वाली भी पूरी चीज किसी के बराबर होगी ना, कांस्टेंट है सारे, तो ये पूरी चीज किसी के बराबर होगी। तो यार यहां से मेरे पास एक चीज आ जाती है कि यार मैं बोल सकता हूं cos a by sin a is cot a is equal to cos b by sin b is cot b, cos c by sin c is cot c is equal to some 2r k, ऐसा आप लिख लो, ये भी तो कोई कांस्टेंट ही होगा, k कांस्टेंट था 2r कांस्टेंट था, तो ये जो पूरा होगा ये भी तो कोई कांस्टेंट ही होगा। तो यहां से आपको मिल क्या रहा है, इंपॉर्टेंट चीज बच्चों जो आपको मिल रही है वो है कि cot a is equal to cot b is equal to cot c, ये इंपॉर्टेंट है कि cot a cot b और cot c बराबर है। आप जरा सोचो भला कौन से ट्राइंगल में cot a cot b cot c बराबर हो जाए, तो एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, तो दिस इंप्लाइज एंगल a विल बी इक्वल टू एंगल b विल बी इक्वल टू एंगल c, और वो एंगल क्या होगा 60 डिग्री का मतलब दिस विल बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है रूट थ्री बाय फोर इंटू साइड का स्क्वायर, सारे साइड ही बराबर होते हैं, साइड का लेंथ आपको दिया हुआ है 2, तो आंसर विल बी रूट थ्री बाय फोर इंटू 2 का स्क्वायर, ये 4 होता है ये 4 कट गया, फाइनल आंसर विल बी रूट थ्री, ठीक है फाइनल आंसर विल बी रूट थ्री, आप उसको रूट थ्री स्क्वायर यूनिट्स भी बोल सकते हैं, ये 2 यूनिट्स होगा, तो दिस आंसर विल बी रूट थ्री स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है इन एनी ट्राइंगल इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए प्लस बी is equal to sine of a minus b divided by sine of a plus b, then prove that the triangle is either
prove that the triangle is either right angled, is either right angled or isosceles, or isosceles. या तो right angled triangle होगा या तो isosceles triangle होगा. दोबारा पढ़ देते हैं. In any triangle, if a square minus b square by a square plus b square is equal to sine of a minus b upon sine of a plus b, prove that the triangle is either right angled or isosceles. देखते हैं. देखिए, आपके पास बेटा लिखा है a square minus b square upon a square plus b square is equal to sine of a minus b upon sine of a plus b. ये हमको बेटा दिया हुआ है, ठीक है. अब अगर बच्चों ये चीज दी हुई है तो देखो, a को आप लिख सकते हो 2r sin a, मतलब this will be 4r square sin square a. b को आप लिख सकते हो 2r sin b, तो 4r square sin square b upon a को हम लिख सकते हैं अगेन 4r square sin square a plus 4r square sin square b. ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. जैसे बेटा हमने ये लिखा, this is equal to आपको क्या दिया हुआ है, sin of a minus b अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी. तो यार ये 4r स्क्वायर तो कॉमन लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैं काट सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं. अब यहां से मेरे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को बेटा आप दो तरीके से लिख सकते हो, समझना इस बात को. कहां पर क्या लिखना है वो आपको पता होना चाहिए. अगर आपके पास बेटा लिखा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, पहली बात तो आप इसको अपने ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से लिख सकते हो, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी. ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, ठीक है. और अलजेब्रिक कंसेप्ट क्या है कि अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो दिस विल बी ए प्लस बी और ए माइनस बी. दोनों ही सही है ना, दोनों में गलती कुछ नहीं. आप ऐसा मत सोचो कि मैं साइन को मल्टीप्लाई कर दिया हूं अंदर, ऐसा नहीं है. देख के लगता है, बहुत अच्छी चीज है. ऐसा देख के लगता है कि साइन अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा देख के लगता है कि ऐसा साइन अंदर मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बेटा. समझिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाली जो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को आप लिख सकते हो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी. ये ट्रिग्नोमेट्री की अपने कंसेप्ट पढ़ा है, और ये आपका अलजेब्रिक कंसेप्ट है. ये वाली बड़ा चीज आपकी अलजेब्रिक कंसेप्ट है कि अगर आप इसको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलोगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई. दोनों सही है. आपको कब किसका इस्तेमाल करना है आपको पता होना चाहिए. सही दोनों चीजें, ठीक है. इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं साइन अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इस बात को याद रखिएगा. यार यहां पर मैं आपको बोलता हूं कि देखो, क्योंकि दोनों एंगल एक साथ लिखे अंदर, तो मुझे ज्यादा फायदा होगा कि अगर मैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को लिख लूं साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी. इससे मुझे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यार टर्म कटेगा. नीचे लिखा हुआ बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, और आरएचएस में मेरे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी. अब अगर बच्चों मैं ये साइन ऑफ ए माइनस बी का फैक्टर कट कर रहा हूं, बेसिकली अगर मैं सब एक साइड लेके जाता और कॉमन लेके काटता, तो आप क्या लिखते, तब आप लिखते हैं कि साइन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू जीरो होगी. तब आप ये चीज लिखते हैं कि साइन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू जीरो होगी. अगर मैं एक साइड कॉमन लेके जाता और कॉमन लेके निकाल लेता, तब एक फैक्टर ही आता, और अगर मैंने वो नहीं किया तो डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूं. तो एक चीज तो ये हो गई. अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए प्लस बी, दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस बी. साइन स्क्वायर ए प्लस बी इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी. साइन स्क्वायर ए प्लस बी विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी. अब बेटा देखो, जैसे ही आपके पास ये चीज आ गई, अब आप थोड़ा यहां पर मैनिपुलेशन करेंगे, थोड़ा सा बच्चों यहां पर अपन मैनिपुलेट करेंगे. मैनिपुलेट हम इसको कैसे करेंगे कि हमको पता है कि अगर ट्राइंगल की बात हो रही है तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, पाई. हमको ये चीज पता है. तो यार इस ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस सी. तो साइन स्क्वायर पाई माइनस सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी. तो यहां से आ जाएगा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. तो साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी. ये आपके पास आ गया बेटा. अब देख लो, थोड़ा ध्यान से बच्चों इसको समझेंगे. अगर बेटा इफ साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो,
देन ए इज इक्वल टू बी, अगर साइन ऑफ ए माइनस बी जीरो होगा तो ए विल बी इक्वल टू बी, और अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा, दो एंगल अगर इक्वल है तो उनके ऑपोजिट वाला साइड भी इक्वल है तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा आइसोसेलेस हो जाएगा। एंड इफ इफ साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, तो यहां से इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं 4r स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूं तो 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर सी विल बी इक्वल टू 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। यही खेलना आना चाहिए बेटा, यही आपको खेलना आना चाहिए कि किसको कहां पर यूज करना है। तो 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर सी इज 2r साइन सी का होल स्क्वायर, और 2r साइन सी क्या होता है सी, 2r साइन ए का होल स्क्वायर मतलब 2r साइन ए क्या होता है ए, और 2r साइन बी क्या होता है बी। तो c square is equal to a square plus b square आ गया, this is the condition of Pythagoras theorem, this is the condition of Pythagoras theorem। तो अगर ये Pythagoras theorem का बच्चों condition आ गया तो automatically आपका triangle क्या हो जाएगा right angle, तो therefore angle c is equal to 90। तो या तो आपके पास क्या आ रहा है, या तो आपके पास triangle isosceles आ रहा है जो लिखा हुआ था, या आपके पास बेटा triangle right angle आ रहा है। ये बेटा बहुत अच्छे अच्छे सवाल है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, कंसेप्ट की क्लैरिटी इन्हीं से आती है, ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट बच्चों क्लियर हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है तो मुझे कमेंट्स में आप बताइए, है ना। मैं देखता हूँ कि मैंने लाख बार कहने पर भी कई सारे बच्चे कमेंट नहीं करते, बताते नहीं है। बेटा देखिए यही एक जरिया है जिससे कि हमारी बातचीत हो सकेगी, तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि आपका क्या फीडबैक है, आपको समझ में आ रही है चीजें या नहीं आ रही, लेक्चर ज्यादा फास्ट तो नहीं हो जा रहा है, क्या और ज्यादा सवालों को करवाने की जरूरत है, ये सब आप मुझे बताइए। कॉन्फिडेंस अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, बहुत पसंद आ रहा है मेरे पढ़ाने से, आपको फायदा हो रहा है, तो ये सब आप मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं इसी तरीके से बेटा ये लेक्चर्स ये सारी सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रखूं। अगला सवाल बच्चों अपने पास दिया है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दिया ही हुआ है, then find the value of, then find the value of, then find the value of a times sine b minus c plus b times sine c minus a plus c times sine a minus b। ठीक है आपको बच्चों इसकी वैल्यू बतानी है, ऑप्शंस में आपको दे देता हूं, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन बच्चों हमारे पास है 1, थर्ड ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है 3। इन अ ट्राइंगल एबीसी अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखिए अगेन बेटा ये सिमेट्रिक टाइप ऑफ टर्म्स है, ए के साथ बी माइनस सी, बी के साथ सी माइनस ए, सी के साथ ए माइनस बी, पैटर्न में है टर्म्स, तो आप किसी भी एक टर्म को सॉल्व करिए। जैसे कि अगर मैं ए टाइम्स साइन ऑफ b माइनस सी को पकड़ू तो देखो आप a को क्या लिख सकते हो, a को आप बेटा लिख सकते हो 2r sin है, तो दिस इज 2r sin a, और उसके साथ हमारे पास लिखा हुआ है 2r sin a के पास sin ऑफ b माइनस सी, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2r। अच्छा a को हम क्या लिख सकते हैं sin ऑफ, a को आप बेटा लिख सकते हैं पाई माइनस बी प्लस सी, a को हम क्या लिख सकते हैं a कैन बी रिटन एज पाई माइनस बी प्लस सी, और उसके साथ है sin ऑफ b माइनस सी, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 2r sin of b plus c into sin of b minus c, ठीक है ना, क्योंकि sin of 180 minus theta क्या होता है sin theta, तो sin of b plus c into sin of b minus c, this will be 2r sin square b minus sin square c, यही आएगा आपके पास 2r sin square b minus sin square c। तो देखो b minus c था तो आपके पास आया sin square b minus sin square c, वैसे अगर सेकंड वाला बेटा मैं टर्म देखूं तो सेकंड वाले टर्म में लिखा हुआ है b sin c minus a, तो b sin c minus a क्या आएगा 2r sin square c minus sin square a, और लास्ट में बेटा c times sin of a minus b, c times sin of a minus b, तो इसको बेटा जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेम पैटर्न से क्या आएगा 2r sin square a minus sin square b। जरा बेटा सबको ऐड करिए, जैसे आप सबको ऐड करेंगे तो 2r कॉमन sin square b minus sin square b कटा, sin square c minus sin square c कट गया, sin square a minus sin square a कट गया,
फाइनली बेटा सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आंसर विल बी जीरो। ठीक है, आंसर बेटा इसका आ जाएगा जीरो। अगला देखते हैं, अगला अपने पास सवाल है, अगला बच्चों अपने पास सवाल दिया हुआ है, प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल एबीसी साइन ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू b² - c² / a² साइन। ये बेटा आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये बेटा आपको प्रूफ करना है। अब अगेन अप्रोच बहुत सिंपल सा बेटा, अप्रोच बहुत सिंपल सा है कि नॉर्मली अगर आप इसको प्रूफ करने जाओगे तो हो सकता है आपको कठिनाई हो, तो आप तो ऐसा लिख लो कि साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन साइन ए विल बी इक्वल टू b² - c² / a² ऐसे ही होगा। साइन ए को नीचे ले आओ, आप तो इसको सॉल्व करो, आप सिर्फ इसको सॉल्व करो और देखो क्या आता है। b को आप लिख सकते हो 2r sin b, स्क्वायर करने पे आएगा 4r² sin² b। c को आप लिख सकते हो 2r sin c, स्क्वायर करने पे आएगा -4r² sin² c। और नीचे a को आप लिख सकते हैं 4r² sin² a। क्लियरली बेटा 4r² कॉमन लेके आप कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मेरे पास आ गया sin² b - sin² c। थोड़ा सा अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक कौन सा डालना है सोचना पड़ेगा। तो sin² b - sin² c को आप लिखो साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी, क्योंकि ये लिखने से बेटा मुझे फायदा होगा। इसको अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिकली ब्रेक करूंगा तो मुझे फायदा होगा, अगर मैं इसको अलजेब्रिकली ब्रेक करता तो मजा नहीं आता। तो sin² b - sin² c इज साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। नीचे लिखा हुआ है sin² a, तो sin² a को बेटा एक तो साइन ऑफ a को आप ऐसे ही रहने दो, क्योंकि देखो नीचे भी साइन ए चाहिए था, नीचे भी साइन ए आपको चाहिए था, तो एक साइन ए को वैसे ही रहने दो। और जो दूसरा साइन ए है, दूसरे वाले साइन ए को बेटा आप लिखो π - b + c। दूसरा वाला जो बेटा एंगल ए है, एंगल ए को आप लिखो π - b + c। ठीक है, तो यहां से बेटा आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा और साइन 180 - थीटा ये कैंसिल आउट, तो जो लेके आना था बेटा वो आ गया साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन साइन। ठीक है, साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन साइन जो हमको लेके आना था हम दे रहे। ठीक है, क्लियर हो रही होंगी बेटा चीजें। अब आज के लेक्चर में 3 सवाल और हैं जो मुझे कराने हैं, वो मैं जल्दी से करा देता हूँ, फिर अपन अपना आज का लेक्चर एंड करेंगे। क्वेश्चन बेटा अपने पास लिखा हुआ है, इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी If cot A, cot B, cot C are in AP, अगर बेटा ये arithmetic progression में if cot A, cot B, cot C are in AP, then A square, B square, C square are in options हैं AP, GP, HP या AGP, AP, GP, HP या AGP। ठीक है, ये बेटा अपने पास सवाल दिया कि अगर किसी ट्राइंगल एबीसी में कॉट ए कॉट बी कॉट सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो स्मॉल ए स्क्वायर स्मॉल बी स्क्वायर स्मॉल सी स्क्वायर किस में होंगे, ये सवाल है। तो बेटा अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि यार कॉट बी माइनस कॉट ए विल बी इक्वल टू कॉट सी माइनस कॉट बी, कॉमन डिफरेंस मैंने इक्वेट किया। तो जैसे ही बेटा मैंने कॉमन डिफरेंस इक्वेट किया, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, आप कॉस साइन में बदलो तो कॉट बी विल बी कॉस बी अपॉन साइन बी माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी अपॉन साइन सी माइनस कॉस बी अपॉन साइन, बदल सकते हैं इस तरीके से। अगर बच्चों हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर में नीचे लिखा हुआ है साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी इज इक्वल टू यहां पर करेंगे तो साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी माइनस कॉस बी साइन सी डिवाइडेड बाय साइन बी साइन सी, ये आ गया मेरे पास
अच्छा मुझे अब एक चीज पता है कि अगर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है तो साइन बी की वैल्यू यार जीरो तो हो नहीं सकती है ना। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है तो साइन बी की वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती, क्योंकि एंगल भी ना जीरो हो सकता है ना 180 डिग्री हो सकता है, तो साइन बी को तो आप कट कर दो। तो यार यहां से आपके पास देखो क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए माइनस बी, इसमें ये साइन सी मल्टीप्लाई हो गया, जब इसमें ये वाला बच्चा साइन सी मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज इक्वल टू साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी इज साइन ऑफ बी माइनस सी, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी साइन ऑफ बी माइनस सी, और इसमें ये वाला बच्चों साइन ए जाके मल्टीप्लाई हो गया, लिख सकते हैं ऐसा। अब यहां से अगर बेटा हम इसमें ऐसा करें कि हमको एक चीज पता है, हमको एक चीज पता है कि यार अगर ट्राइंगल की बात है तो ए प्लस बी प्लस सी तो क्या होगा, पाई होगा। तो यहां से बच्चों मैं लिख लेता हूं साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ सी को लिख लो पाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ बी माइनस सी इंटू साइन ऑफ ए को बच्चों आप लिख लो पाई माइनस बी प्लस सी, लिख सकते हैं सर यहां से। तो जैसे ही हमने बेटा ये चीज लिखी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और अब यहां से आपके पास आ गया साइन थीटा होता है साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहां से अगर आप देखेंगे तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन ऑफ बी माइनस सी इंटू साइन ऑफ बी प्लस सी अगेन साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो यार यहां से मेरे पास बेटा जो रिजल्ट आ रहा है बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है कि यार टू साइन स्क्वायर बी, टू साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी, बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है बेटा। देखो टू साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी, और जैसे ही मेरे पास ये रिजल्ट आया अब जरा सोच के देखो कि अगर मैं आपको बोल दूं मल्टीप्लाई फोर आर स्क्वायर, जैसे आप फोर आर स्क्वायर अपने दिमाग में मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो फोर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, फोर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी विल बी टू बी स्क्वायर, ये टू पहले लिखा है, फोर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी विल बी बी स्क्वायर, फोर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए विल बी ए स्क्वायर, फोर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर सी विल बी सी स्क्वायर। तो यार अगर टू बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गई, इसका मतलब कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में होंगे बेटा, दे विल बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यही तो कंडीशन होती है ना एपी की, कि अगर तीन नंबर एपी में होते हैं तो टू बी की वैल्यू ए प्लस सी होती है, यही होती है कंडीशन। चलिए अगला देखते हैं अपना बेटा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमको दिया है आज का, इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ ए कॉस ए, इफ ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी, इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी देन प्रूव दैट, देन prove that if a cos a is equal to b cos b then prove that either a equal to b or angle c equal to 90 degree or angle c equal to 90 degree। ये बेटा वैसी सवाल है, अगर a equal to b होगा तो isosceles होगा नहीं तो right angle triangle होगा, सेम तरीके का सवाल है। अगर a इक्वल टू b हो गया मतलब या तो ट्राइंगल isosceles होगा या तो right angle होगा, हमें कंडीशन दी हुई है a cos a इज इक्वल टू बी कॉस बी। तो देखते हैं बेटा इसको, देखिए ट्राइंगल की अगर बात है तो पहले ही लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी तो पाई होगा, और हमारे को गिवन है दैट ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी, ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी लिखा है, तो ए को बेटा आप लिख सकते हो टू आर साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू बी को आप लिख सकते हो टू आर साइन बी कॉस बी। ये तो यार बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, इसमें आप पूरा 2r मत काटो सिर्फ r काटो, सिर्फ r काट दो। तो देखो 2 sin a cos a sin 2a इज इक्वल टू 2 sin b cos b sin 2b, एकदम बेटा आसान सवाल है, तो एकदम आसान सवाल है जल्दी से हो जाएगा। अगर sin 2a इज इक्वल टू sin 2b है तो या तो 2a का वैल्यू 2b होगा या तो 2a का वैल्यू पाई माइनस 2b होगा, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, या तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे या तो 2a का वैल्यू पाई माइनस 2b होगा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा के हिसाब से। तो यार यहां से मेरे पास आ जाएगा अगर 2a इक्वल टू 2b है तो एंगल a विल बी इक्वल टू एंगल b, और अगर एंगल a और एंगल b इक्वल है तो ट्राइंगल हो गया आइसोसेलेस, ट्राइंगल हो जाएगा आइसोसेलेस, क्योंकि बेटा अगर एंगल a इक्वल टू एंगल b है तो साइन a विल बी इक्वल टू साइन b
एंड 2r साइन है विल बी इक्वल टू 2r साइन b, और 2r साइन a होता है a और 2r साइन b होता है b, तो a इक्वल टू b तो आ गया जो लेके आना था आइसोसेलेस की कंडीशन। यहां से बच्चों अगर हम देखेंगे तो दिस विल गिव मी 2a प्लस 2b इज इक्वल टू पाई, तो a प्लस b विल बी इक्वल टू पाई बाय 2, और अगर a प्लस b पाई बाय 2 है तो एंगल c भी पाई बाय 2 आएगा, मतलब ट्राइंगल विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल या तो ट्राइंगल विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो चलिए बेटा मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, एक आखिरी सवाल देखते हैं, अच्छा सवाल है वो, फिर आज का लेक्चर एंड करेंगे। आज के बेटा लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन स्टार लगा लेंगे, अच्छा सवाल है, अच्छे सवाल से अपन अपना आज का लेक्चर एंड करेंगे। क्वेश्चन अपने को दिया है इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ द मीडियन एंगल बायसेक्टर, इफ द मीडियन एंगल बायसेक्टर एंड ऑल्टीट्यूड, if the median angle bisector and altitude drawn from the vertex a of triangle abc, vertex a of triangle abc divide the angle a into four equal angles, find angle a। ये बेटा आपके पास सवाल है, ठीक है, ऑप्शंस में आपको दे देता हूं, अच्छा सवाल है। पहला ऑप्शन है पाई बाय 8, सेकेंड ऑप्शन बच्चों हमको दिया हुआ है 3 पाई बाय 8, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है पाई बाय 2, और फोर्थ ऑप्शन बेटा हमको दिया हुआ है 5 पाई बाय 8। देखिए ध्यान से, सवाल में लिखा है इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ द मीडियन एंगल बायसेक्टर एंड ऑल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइड द एंगल ए इनटू फोर इक्वल एंगल्स देन फाइंड एंगल ए। मैं आपके लिए बच्चों देखो फिगर बना देता हूं, थोड़ा सा बड़ा अपन बनाते हैं फिगर ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है, ठीक है। ये अपना बेटा देखो फिगर बना हुआ, ये आपके पास ये ट्राइंगल एबीसी है, और इस ट्राइंगल एबीसी में आपको बोला जा रहा है मीडियन, मीडियन क्या होती है बेटा लाइन, मीडियन वो वाली लाइन होती है जो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करती है, ठीक है ना, मीडियन बेटा वो वाली साइड होती है, वो वाली लाइन होती है जो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करती है। तो ये आपके पास आ गई क्या मीडियन, ठीक है, ये आपके पास आ गई मीडियन। इसको अपन थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं, क्योंकि आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, ये तीनों लाइंस अलग अलग दिखनी चाहिए, पर्पस मेरा ये है कि ये तीनों लाइंस आपको अलग अलग दिखाई दे। तो मीडियन एक बार दोबारा बना लेते हैं यहाँ पे अपन, यहाँ पर बेटा कहीं पर आपके पास आएगी ये मीडियन, ठीक है, ये आपकी हो गई बेटा मीडियन, लेट अस से एट पॉइंट डी, है ना, एडी आपकी मीडियन, एडी इज योर मीडियन, यहां लिख लेते हैं। उसके बाद मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है जो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसका मतलब कि BD और CD बराबर होगा। तो देखो ये अगर A था तो ये जो होगा BD और CD ये दोनों A by 2 होगा, ये A के सामने वाला अगर पूरा साइड, A के सामने वाला बच्चों अगर पूरा का पूरा साइड क्या था आपके पास, A के सामने वाला पूरा साइड स्मॉल A था, तो ये A by 2 होगा, ये A by 2 होगा, मीडियन। उसके बाद बोला जा रहा है एंगल बायसेक्टर, एंगल बायसेक्टर कौन सी लाइन होती है जो सामने वाले एंगल को ब्रेक करती है, एंगल बायसेक्टर मतलब अगर मैं इसको वर्टेक्स E बोलूं तो एंगल बी ए ई और एंगल ई ए सी दोनों बराबर होगा, ठीक है ना, बीई जो है बीई इज योर एंगल बायसेक्टर, ये सब बेटा क्लियर होनी चाहिए आपको चीजें। एंगल बायसेक्टर अगर बीई है देन दिस मींस एंगल बी ए ई ये वाला जो एंगल होगा बी ए ई और ई ए सी एंड एंगल ई ए सी ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। अब देखो अगर ये पूरा एंगल ए था, ये अगर पूरा एंगल ए था तो ये वाला एंगल विल बी कैपिटल ए बाय 2, कैपिटल ए बाय 2, है ना, अगर पूरा एंगल ए था तो ये उसका बायसेक्टर है, दो हिस्सों में ब्रेक कर रहा है, दिस विल बी कैपिटल ए बाय 2। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये छोटा सा एंगल और ये वाला छोटा सा एंगल ये दोनों बराबर है, ठीक है ना, ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल
ये वाला पूरा एंगल, ये दोनों बराबर है, दोनों ए बाई टू। तीसरा दिया ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का कौन सी लाइन होती है बेटा, ऑल्टीट्यूड होती है ये वाली लाइन, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। इसको मान लो आप एफ, तो ए एफ आपके पास है ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री वाली लाइन, ठीक है, ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री वाली लाइन। अब मुझे सवाल क्या बोल रहा है बेटा, मुझे सवाल ये बोल रहा है कि ये तीन लाइंस इस एंगल ए को कितने हिस्से में ब्रेक करती है, डिवाइड द एंगल ए इनटू फोर इक्वल एंगल्स। ये वाली जो तीन लाइंस मैंने बनाई, ये एंगल ए को चार बराबर एंगल्स में ब्रेक करती है, मतलब ये छोटा सा एंगल जो होगा इस ट्रायंगल का वो थीटा होगा, दूसरे वाले ट्रायंगल का भी छोटा सा एंगल थीटा होगा, तीसरे वाले ट्रायंगल का भी छोटा सा एंगल थीटा होगा, और चौथे वाले ट्रायंगल का भी छोटा सा एंगल थीटा होगा। ये इसका सवाल में दिया हुआ, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है इसका एंगल ये थीटा होगा, इसका भी थीटा होगा, इसका भी थीटा होगा और इसका भी थीटा होगा। ये आपको सवाल में दिया कि अगर ये तीनों लाइंस चार एंगल इक्वल एंगल ब्रेक करिए तो पूरा एंगल ए कितना होगा, मतलब मुझे सवाल में फोर थीटा की वैल्यू निकालनी है, मुझे फोर थीटा की वैल्यू निकालनी है, फाइंड एंगल ए, एंगल ए क्या होगा, एंगल ए बेसिकली फोर थीटा होगा, मुझे फोर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बेटा मैं आपको बहुत बहुत सिंपल सा इसका तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स लिखने होंगे, वो लिख लीजिए। अगर ये एंगल 90 डिग्री था तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, अगर ये 90 था तो ये भी 90 होगा। अब आप ट्राइंगल ABF देखो, ट्राइंगल ABF, ट्राइंगल ABF में बच्चों ये वाला एंगल एक थीटा है एक 90 है, मतलब एंगल B जो होगा दैट विल बी 90 माइनस थीटा, तभी तो तीनों का सम 180 आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, एक एंगल 90 है एक एंगल थीटा है तो तीसरा एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, एकदम क्लियर बात है। अब आप देखो कौन से ट्राइंगल को, आप देखो ट्राइंगल AFC को, ये बड़ा ट्राइंगल, ये बड़ा सा ट्राइंगल AFC, तो इस बड़े से ट्राइंगल AFC में बच्चों मुझे क्या चीज समझ में आ रही है कि एक एंगल 90 है और एक एंगल ये पूरा कितना है 3 थीटा। ध्यान से देखो AFC, AFC में ये वाला पूरा एंगल कितना है बेटा 3 थीटा, तीन आ रहे हैं थीटा यहाँ पे AFC में 3 थीटा और ये 90, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से दिस विल बी 90 माइनस 3 थीटा, दिस विल बी 90 माइनस 3 थीटा, ये चीज आ जाएगी अपने पास, ठीक है। और अपन बेटा बताओ कोई एंगल लिख सकते हैं क्या, ये वाला अगर आपके पास बेटा 90 है ये वाला थीटा है तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा आएगा, ठीक है, दिस विल आल्सो बी 90 माइनस थीटा। और उसके बाद बेटा अगर मैं ये वाला एंगल की बात करूं, हालांकि काम नहीं पड़ेगा इन दोनों का, ये 90 है और ये वाला एंगल देखो बीच वाला इस ट्रायंगल AFD में ये 2 थीटा है, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस 2 थीटा, हालांकि काम नहीं पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं लिख लेते हैं, है ना, लिख लेते हैं। तो यार यहां से बेटा देखो अपन अगर लिखना आप चालू करें तो हमारे पास इसमें देखो क्या दिया हुआ है, आपको ऐसा बेटा एक चीज समझ में आ रही है कि यार अगर मैं इस AD को X मान लूं, अगर AD का लेंथ मान लो बेटा मैं X मान लूं, AD का लेंथ X, तो ये जो BD है, ये जो BD है बेटा ये क्या है A by 2 है, ये जो CD है ये CD भी क्या है बेटा A by 2 है। आप साइन लॉ अप्लाई करो, साइन लॉ आप बेटा अप्लाई करो, किसमें अप्लाई करेंगे साइन लॉ, सबसे पहले ट्राइंगल ABD में, ट्राइंगल ABD में, ट्राइंगल ABD में, ठीक है, ध्यान से देखो ट्राइंगल ABD इसमें अगर बेटा मैं साइन लॉ अप्लाई करूं तो मुझे इसमें क्या दिखाई दे रहा है, दैट x बाय साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, x बाय साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, x बाय, ये देखो x है सामने वाला साइड, उसके ऑपोजिट वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ट्राइंगल ABD में x बाय साइन 90 माइनस थीटा will be equal to, अब देखो ये सामने वाला एंगल क्या है बेटा 3 थीटा है, ये जो एंगल ABD है इस एंगल ABD में ये वाला एंगल कितना है 3 थीटा, तो और ये उसके सामने वाला साइड क्या है a by 2, ये 3 थीटा और उसके सामने वाला साइड है a by 2, तो this will be equal to a by 2 upon sin 3 थीटा, ये चीज होगी। और तीसरा भी आप रेशियो लिख सकते हो, हालांकि उसका काम नहीं पड़ेगा, तीसरा रेशियो आपके पास आएगा, देखो ये वाला साइड ले लिया, ये वाला साइड ले लिया, तीसरा रेशियो आएगा AB by sin of 90 minus 2 theta, AB by sin of 90 minus 2 theta, हालांकि इसका कोई अपने को काम नहीं पड़ेगा, आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आपको उसका कोई काम नहीं है ना, ये वाला आ जाएगा AB by sin of 90 minus 2 theta, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है मैं अभी आपको बताता हूं। तो हमने अभी बेटा देखो साइन लॉ किसमें अप्लाई किया, हमने साइन लॉ अप्लाई किया ट्राइंगल ABD में, ट्राइंगल ABD में बच्चों हमने साइन लॉ बढ़िया तरीके से अप्लाई कर दिया। अब आप पकड़ो ट्राइंगल ACD को,
क्यों मैं ट्राइंगल एसीडी पकड़ रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। ट्राइंगल एसीडी, ट्राइंगल एसीडी में भी देखो बेटा, ये एक साइड एक्स है और एक साइड ए बाई टू। देखो मैंने ट्राइंगल एबीडी क्यों पकड़ा था, क्योंकि एबीडी में भी एक साइड एक्स था, एक साइड ए बाई टू था। ट्राइंगल एसीडी में भी एक साइड एक्स है, एक साइड ए बाई टू। बेसिकली आपको बेटा ऐसे ट्राइंगल्स लेने जिनको जब आप सॉल्व करें तो रेशियोज कैंसल आउट हो। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं, सुनिए ध्यान से। ट्राइंगल एसीडी में अगर आप देखेंगे तो एक्स अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू ए बाई टू अपॉन साइन थीटा, ए बाई टू अपॉन साइन थीटा, और इज इक्वल टू, आपको तीसरे साइड की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपको लिखना हो तो बेटा आप लिख सकते हो। देखो ये 90 माइनस 2 थीटा आ गया, ठीक है, तो ये वाला बेटा एंगल आपके पास आ जाएगा 2 थीटा, ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा 2 थीटा। हालांकि इसका कोई काम नहीं, लेकिन आपको अगर लिख के ही देखना हो तो आप लिख सकते हो AC by sin 2 थीटा, ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, लेकिन इसका कोई काम नहीं, इसका बच्चों आपके पास कोई भी काम नहीं आएगा। एक सेकंड, 2 थीटा नहीं आएगा, दिस विल बी 2 थीटा प्लस 90, है ना, 2 थीटा नहीं आएगा, दिस विल बी 2 थीटा प्लस 90, यहां पर आप लिख लो 2 थीटा प्लस 90। हालांकि इसका कोई काम नहीं, इसका अपने पास बेटा कोई भी काम नहीं है, ठीक है, आप इसको सेफली इग्नोर कर सकते हो। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या हो रही है, यहां से बेटा आपके पास x डिवाइडेड बाय a बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, x डिवाइडेड बाय a बाय 2 की आपके पास वैल्यू आ जा रही है sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय sin 3 थीटा, ये आ जा रहा है आपके पास इसकी वैल्यू। और यहां से बेटा देखो x डिवाइडेड बाय a बाय 2, x डिवाइडेड बाय a बाय 2 की वैल्यू आ जा रही है sin 90 माइनस 3 थीटा इज cos 3 थीटा अपॉन sin 3। मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स ही क्यों लिए, मैंने बेटा यही वाले दोनों ट्राइंगल्स इसलिए लिए क्योंकि मुझे ये a by 2 और a by 2 का यूज करना है जो मीडियन की प्रॉपर्टी है, क्योंकि मुझे इस चीज का नॉलेज है, मुझे इस चीज का नॉलेज है कि यार मुझे रेशियोस काटने पड़ेंगे ना अगर सॉल्व करना है तो। यहां से बेटा आप देखो कंपेयर कर सकते हो, ये अच्छा सवाल है, अच्छे सवाल ऐसे ही होते हैं, ठीक है, मैं आपको यही तो बेटा टेक्निक सिखा रहा हूं। इतना अपन बेटा इसमें 10-12 सवाल हमने इसीलिए तो किए ताकि हम इस सवाल को बना पाए, समझ पाए। तो यहां से देखिए x by a, x upon a by 2 की वैल्यू आ गई, यहां से भी x upon a by 2 की वैल्यू आ गई, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, दोनों ही सेम होंगे, तो this implies cos theta upon sin 3 theta is equal to cos 3 theta upon sin theta। जैसे बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा sin theta cos theta is equal to, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो sin 3 theta cos 3 theta। मल्टीप्लाई बेटा जैसे आप दोनों साइड अब 2 से करोगे तो 2 sin थीटा cos थीटा विल बी sin 2 थीटा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 sin 3 थीटा cos 3 थीटा विल बी sin 6 थीटा। तो इसका मतलब क्या बेटा, अगर sin 6 थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा आ रहा है, अगर आपके पास sin 6 थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा आ रहा है, देन दिस मींस sin 6 थीटा इज इक्वल टू अगर sin 2 थीटा है तो या तो 6 थीटा और 2 थीटा बराबर हो जाए जो कि पॉसिबल नहीं है, या तो 6 थीटा की वैल्यू हो जाए पाई माइनस 2, यही ना होगा, सोचो, या तो 2 थीटा और 6 थीटा बराबर हो जाए या 6 थीटा की वैल्यू होगी पाई माइनस 2 थीटा, 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो आ जाएगा। तो यहां से आपके पास आ गया बेटा 6 थीटा प्लस 2 थीटा मतलब 8 थीटा इज इक्वल टू पाई, और अगर बच्चों 8 थीटा की वैल्यू पाई आ रही है तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, 4 थीटा, 8 थीटा की वैल्यू अगर पाई आ रही है तो 4 थीटा विल बी पाई बाय 2, 4 थीटा विल बी पाई बाय 2, मतलब कि बेटा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए तसल्ली से, आप देख लीजिए 2-3 बार, अगर आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके भी सुन लीजिए, ठीक है। यहां से अपन ने इसको इवैल्यूएट कर लिया, अगर sin 6 थीटा की वैल्यू sin 2 थीटा के बराबर है तो या तो 6 थीटा और 2 थीटा बराबर हो जो पॉसिबल नहीं है, या 6 थीटा की वैल्यू 180 माइनस 2 थीटा हो, क्योंकि sin ऑफ 180 माइनस थीटा और sin थीटा सेम होता है, तो या तो 6 थीटा की वैल्यू 180 माइनस 2 थीटा हो, तो यहां से आपके पास 8 थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी पाई आ जाएगी, तो 4 थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2 या 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके साथ बेटा हम अपने आज के लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको साइन लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे आपके कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर भी करिए ताकि उनकी भी पढ़ाई और बेहतर तरीके से हो पाए। और अगर आज का लेक्चर फायदेमंद लगा, कुछ सीखने को मिला, मेरी पढ़ाने की टेक्निक पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर्स प्रिपेयर करने के लिए। थैंक यू।